subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रोशनी को रिहा करना ही होगा। रोशनी वर्मा को जेल से रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सभापति जी, समाचार पत्रों ने रोशनी वर्मा के जेल में पाए जाने के जो सबूत दिए हैं, क्या वो आपकी सरकार को इस्तीफा देने के लिए काफी नहीं है? I ask you, is this a free country? Is this a democracy? And a shame? ये पढ़ा आपने? मुझ पर झूठा और मनगढ़ंत इल्जाम लगाया गया है। मैं इस पेपर पर मानहानि का दावा करूंगा। वो तो बात की बात है। वर्तमान स्थिति यह है कि इस घटना की वजह से हमारी पार्टी की इमेज पूरी तरह से खराब हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि जन आंदोलन छिड़ जाए और आपके कारण हमारी पार्टी को गद्दी छोड़ देनी पड़े। आप क्या चाहते हैं? आपका त्याग पत्र। ये लीजिए।
तो आपने त्यागपत्र पहले से ही लिख रखा है। जी, राजनीति का एक पैतरा ये भी है, इससे पहले कि कोई पाव खींचे पहले ही दुलत्ती चला दो। वैसे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज भी मेरे फेवर में 50 MLA है जो मेरे हटते ही पार्टी से हट जाएंगे और आपको इस्तीफा मतलब इसी तरह का त्याग पत्र देना पड़ेगा। देश बहुत ही संकट काल की स्थिति से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी आप जैसा जनप्रिय नेता हरगिज नहीं खोना चाहती। अब प्रश्न रोशनी वर्मा का है जिसकी वजह से हमारी शांति भंग हो सकती है। हमारी पार्टी की हाईकमान मेंबर्स और जनता के कई फोन कॉल्स आते रहते हैं जिसमें मुझसे पूछा जाता है कि बिना किसी ट्रायल के रोशनी वर्मा जेल में क्यों है। अब आप ही बताइए कि इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं जिसे लोग बाग और जनता संतुष्ट हो जाए। लेकिन ये जिम्मेदारी तो होम मिनिस्ट्री की है और होम मिनिस्टर होने के नाते इसका जवाब मैं दूंगा, आप क्यों चिंता करते हैं? मतलब मतलब इंक्वायरी कमीशन। अन्ना साहब, आपकी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं का मर्डर रोशनी वर्मा ने क्यों किया? आप लोगों ने तो वो मुहावरा सुना ही होगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भाई, हमने तो ये भी मुहावरा सुना है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। और हमें ये शक है कि रोशनी वर्मा का केस पब्लिक के सामने तोड़ मोड़ के पेश किया गया है। सच्चाई कुछ और ही है। अन्ना, जाने दीजिए मुझे, मुझे बोलने तो दीजिए। रोको इसे। बताइए अन्ना साहब, मेरी बेटी रोशनी वर्मा बिना ट्रायल के जेल में क्यों है? आपके इसी सवाल का जवाब तो पुलिस ढूंढ रही है कि रोशनी वर्मा वहां कैसे पहुंच गई। रोशनी वर्मा को इंसाफ मिलेगा, चाहे वो अपराधी हो या निर्दोष हो, इसका फैसला यहाँ की अदालत करेगी। और सिर्फ रोशनी वर्मा ही क्यों, हम तो चाहेंगे कि रोशनी वर्मा की तरह हरेक को ऐसा न्याय मिले। जी नहीं, आप ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि रोशनी वर्मा अदालत में पेश की जाए और सच्चाई सबके सामने आ जाए, क्योंकि हमेशा आपके इशारे पे पुलिस कुछ भी लिख देती है। तो आप पुलिस के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल रही है। जिस देश में आप जैसे नेता खून उछालते हो, जिस देश में आप जैसे नेताओं का कोई कैरेक्टर ही नहीं रह गया हो, वहां आपके इशारों पर चलने वाली पुलिस का कैरेक्टर इतना साफ तो नहीं हो सकता जो कीचड़ उछालने से गंदा हो जाए। ओ शिट। रोशनी वर्मा के लिए कोर्ट ट्रायल का ऑर्डर दिया गया है, और अगर आपको पुलिस पर इतना ही शक है तो हम वादा करते हैं कि असली काम के छानबीन के लिए हम एक इंक्वायरी कमीशन बिठा देंगे। लेकिन जो कुछ भी होगा कानून से होगा, और वो कानून मेरे हाथ में नहीं है। जिस तरह लाखों हिजड़े मिलकर भी एक बच्चा नहीं पैदा कर सकते, उसी तरह आज तक सैकड़ों कमीशनें बैठ गई मगर किसी एक का भी फल नहीं निकला। मुझे वादा नहीं चाहिए, मुझे वादा नहीं चाहिए अन्ना साहब, मुझे मेरी बेटी चाहिए। कहाँ है वो? ये औरत अपनी बेटी के गम में पागल होती जा रही है, जरा इन्हें बाहर ले जाकर समझाइए। अन्ना, याद रखना, वक्त नींबू की तरह होता है, उसे दूध में डाल दिया जाए ना तो दूध फट जाता है, फिर पानी अलग और दूध अलग। तू भी फट जाएगा दूध की तरह, फिर रोएगा पछताएगा। वक्त से बच नहीं सकेगा तू, बच नहीं सकेगा तू। अल्लाह याद रखना, तू भी अपनी औलाद के लिए रोएगा। देख लेना, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने से, कोई नहीं आएगा। भाई, आप लोग लिखते क्यों हैं? पैसों के लिए। और पैसा क्यों चाहिए? रोटी के लिए। और रोटी क्यों चाहिए? जीने के लिए। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई मैं नंगे पैर क्यों चलता हूं? तो नंगे पैर चलने से जमीन से सीधा अर्थिंग मिलती है और आपके विचार उच्च हो जाते हैं। तो जुल्म के बारे में लिखो लेकिन जालिम के बारे में कभी मत लिखो। लेकिन क्यों सर? बैठ के पूछो। हाँ, आप पूछो। क्यों सर? भाई, अगर जालिम के बारे में लिखकर गोली खानी है तो मेरे अखबार में मत लिखो, राइट? रॉन्ग सर, मैंने आपको लापता रोशनी वर्मा और अन्ना साहब के बारे में जो दूसरी रिपोर्ट दी थी, और आपने उसे छापा क्यों नहीं? ये मरवाएगी। सुनीता जी, हमारा अखबार एक भैंस है। क्या?
ऐसी भैंस जो उसका साथ देती है जिसके हाथ में लाठी हो। मतलब? मतलब ये कि हम उसका गुणगान करते हैं जिसकी सरकार होती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। और फिर वो सच सबसे बड़ा झूठ है जो सबका बेड़ा गरक कर दे। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा डायलॉग बोला मैंने, इसको कल के अखबार में डाल देना तुम। अरे एक चाय और ले आना। मुझे अदालत से इंसाफ चाहिए, इसीलिए आप लोगों की मदद चाहिए। देखिए, हम सबका धंधा क्या है, यही तो है इंसाफ दिलाना। आप जिसको चाहे हमें से चुन सकती हैं। इसने तो हम सबको ऐसे पेश किया जैसे हम बाजारू औरतें। क्या यार, सच यार, तुमको जरा भी अकल नहीं। मैडम, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं रोशनी वर्मा की माँ हूँ। अच्छा, उनके केस को तो अखबार वालों ने इतना उछाला है कि वो नेशनल इशू बन गया है, जैसे बोफोर्स। माँ जी, आपका केस मैं लड़ूंगा। बहन जी, मुझे एक चांस दीजिए, मैं फीस में एक पैसा भी नहीं लूंगा। बहन जी, इस केस की वजह से तो ये नेशनल फिगर बन जाएंगे। ये फीस क्या कम है, आप इनके झांसे में ना आइएगा। ये केस आप मुझे दीजिए, मैं यहाँ का सबसे सीनियर वकील हूँ। माँ जी, पहले आप ये बताइए कि इंस्पेक्टर रोशनी वर्मा को जेल में जबरदस्ती किसने डाला? आपको किस पर शक है? मिनिस्टर अन्ना साहब पर। और ये बात मैं अदालत को साफ साफ बताना चाहती हूँ। क्या आप लोगों में से कोई भी मेरा केस लड़ने के लिए तैयार नहीं? आप लोग वकील होने के साथ साथ किसी के भाई, किसी के बेटे होंगे। क्या इस नाते आपका फर्ज नहीं कि एक दुखियारी माँ और उसकी बेटी की मदद करें? क्या आप लोग भी यही चाहते कि मेरी बेटी को सड़ाकर जेल में मार दिया जाए? आप लोग अगर मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? मैं लड़ूंगा। जी हाँ, मैं लड़ूंगा आपका केस। मेरा नाम अविनाश कपूर है। अब आप ये सोच लीजिए कि मैं आपकी बेटी का केस लड़ने के योग्य हूँ या नहीं, क्योंकि मैं कोई नामचीन वकील तो हूँ नहीं। कोई बात नहीं, सच्चाई को जरा सा सहारा मिल जाए तो वो झूठ पर हावी हो जाता है। तो फिर आइए मेरे साथ, आइए। मेरा नाम अविनाश कपूर है, मैं आपका केस देख रहा हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प ने सरकार को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि आपको फेयर ट्रायल का चांस दिया जाए। आपका वकील होने के नाते मेरे कुछ सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। पहले आप मुझे यह बताइए कि यह सब क्यों और कैसे हुआ? प्लीज रोशि वर्मा, देखिए, वकील एक डॉक्टर की तरह होता है जिससे मरीज को अपना राज छुपाना नहीं चाहिए। अगर आप मुझे बताएंगी नहीं तो मैं आपको इंसाफ कैसे दिलाऊंगा? इंसाफ? हां, इंसाफ। आप मुझे अपने बारे में बताने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। आप मुझे सब कुछ साफ साफ बताइए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी हर बात मेरे तक ही रहेगी, सिर्फ मेरे तक। लीजिए, काफी गर्मी है, आप इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए ताकि मैं आपका केस लड़ सकूं। और वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना भूल ही गया था जो मुझे एक वकील होने के नाते पूछना चाहिए था। क्या आपने
चीफ मिनिस्टर पर गोली नहीं चलाई थी? क्या उस गोली से खून नहीं हुआ था? तुम अच्छी तरह जानते हो आई एम नॉट अ मर्डरेस। आई एम नॉट अ मर्डरेस। मैंने किसी का खून नहीं किया है, किसी का नहीं। समझ में नहीं आता किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। मिस रोशनी वर्मा, इस दुनिया में जीने के लिए किसी न किसी पर भरोसा तो करना ही पड़ता है। मैंने कागजात रख दिए, साइन कर देना। रोशनी माँ, रोशनी मेरी बेटी। ये क्या माँ, तुमने आते ही रोना शुरू कर दिया, कब तक रोती रहोगी? बेटी, माँ की झोली में अपनी औलाद के लिए मैं कभी लोरियों की कमी होती है, मैं कभी आंसुओं की। तुम्हारे पास वकील भेजा था, उसे क्या बात हुई? तुमने भेजा था उसे? हाँ। तुम्हें इस नर्क से निकालने के लिए जो कुछ हो सकता है मैं सब करूंगी बेटी। माँ मुझ पर पैसे खर्च मत करो, तुम अंजू का ध्यान रखो, उसका इलाज करवाओ। कैसी बात करती है रे तू? तुम दोनों ही तो मेरे लिए बराबर हो। अच्छा बेटी, तूने वो वकील के कागज पर साइन किए? माँ जिस दौर से मैं गुजर रही हूं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा, उस पर भी नहीं। वो अविनाश बहुत ही चालाक है। अरे चालाक है इसलिए तो हम उसके सामने हड्डी डाल देंगे। मेरे कहने का मतलब है वो जरूरत से ज्यादा ही चालाक है, उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। अच्छा, वो तो हम देख लेंगे, लेकिन तुम अपनी नजर उस पर मत रखना। इतनी गई गुजरी समझी है क्या मुझे? मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे नेता के वादों पर और तुम्हारी जैसी औरतों के इरादों पर कभी भरोसा नहीं रखना चाहिए। अच्छा। चलो वकील आए हैं। गुड मॉर्निंग। साइन क्यों नहीं किया? पेन नहीं था। ओ, सिर्फ इसलिए साइन नहीं किया कि पेन नहीं था? लगता है इसकी खुशबू आपको बहुत पसंद है। बहुत अच्छी है। इतने महीनों से इस गंदे बदबूदार माहौल में रहकर पहली बार खुशबू से पाला पड़ा है। अंजू को भी खुशबू का बहुत शौक था। अब मेरी ओर देखो, अब आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम्हारी मनपसंद का परफ्यूम, मम्मी के लिए साड़ी। माँ माँ देखो ना, मेरी तो सुनती नहीं, तुम्ही इसे समझाओ, अपने लिए भी कुछ अच्छा ले आती। इस घर में सब अपनी मनमानी करते हैं, मेरी कोई सुने तब मैं किसी को समझाऊं। ऐसी कौन सी बात है जो आपकी नहीं मानी? तो तू ही बता, क्या तेरी उम्र शादी की नहीं हुई है? बिल्कुल हो गई है।
मैंने तेरे रिश्ते के लिए दर्जनों लड़कों के फोटो मंगवाए, मगर तुझे तो गुंडे, उचक्के और बदमाशों के फोटो देखने में मजा आता है। माँ, जब नौकरी ऐसी है तो तस्वीरें भी ऐसी ही देखूंगी ना। तेरे डैडी भी तो पुलिस वाले थे, वो भी हमेशा यही कहकर मुझे चुप करा दिया करते थे। नौकरी और करियर, मैं पूछती हूँ, औरत होने के नाते तेरा कोई फर्ज है या नहीं? कर लूंगी ना माँ, जल्दी क्या है, पहले मैं थोड़ा नाम कमा लूं, मेरी पोस्ट पड़ जाए, फिर कर लूंगी शादी। तब तो मेरी परेशानी और बढ़ जाएगी। वो कैसे? लड़की कैसी, एक तो पुलिस वाली, ऊपर से इसका पोस्ट बड़ा हो जाए तो परेशानी बढ़ने ही वाली है। लेकिन मेरी परेशानी की चिंता किसको है? देखो माँ, अब तूने इसका ड्रेस पहन क्यों लिया? ये नाराज होगी ना। उतार के उतार। अब टेक इट आउट। चलो छोड़ दे, छोड़ दे। अब छोड़ दे, बैठे बैठे। अब छोड़ दे, झगड़ा मत कर। एंड अप। शूट। शूट? ऐसे नहीं, ऐसे। Thank you.
बहने दीजिए इन आंसू को, कभी कभी ये आंसू भी बगावत कर देते हैं। अब मैं वो वजह जानना चाहूंगा जिसने पत्थर का इरादा रखने वाली इंस्पेक्टर रोशनी वर्मा को आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। ये आंसू मेरे लिए नहीं है, बल्कि इस कानून, समाज, इस खोखले सिस्टम के लिए है, जिनके ठेकेदार अपने ही हाथों से इसे तोड़ रहे हैं। क्या कसूर था मेरा? यही कि मैंने अपनी ड्यूटी को धर्म माना, ताकत के नशे में चूर उन दरिंदों के आगे झुकी नहीं। यही ना बास्टर्ड्स। और वो इलेक्शन का टाइम था। राम कुमार जिंदाबाद, राम कुमार जिंदाबाद, राम कुमार जिंदाबाद। अन्ना का बेटे धीरज कुमार को वोट देने का मतलब है अन्याय और भ्रष्टाचार को वोट देना। आपको चाहिए एक सच्ची और ईमानदार सरकार। झूठे नारों से सरकार नहीं बनती। कितने मौके दिए हैं तुम्हें कि इलेक्शन में मत खड़े हो, तभी भी बात नहीं मानते और ऊपर से पैसा भी नहीं लोगे। अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हो। सत्य में चाहे सत्य में सत्य ये है। मुझे छोड़कर मत जा बेटे, राम बेटे ना जा। मिस्टर गुप्ता, आप पर गोली किसने चलाई? गोली? बोलिए बोलिए मिस्टर गुप्ता। अन्ना साहब के बेटे। हाँ बोलिए। धीरज नर्स जी, राम कुमार जी की मां को बुलाओ। यस सर। ये मिस्टर गुप्ता का डाइंग स्टेटमेंट है, एज अ विटनेस प्लीज साइन हियर। मेरे महान पिता को देखिए, उनके सपुत्र धीरज कुमार को देखिए, उनको वोट दीजिए और देखिए एक दिन कितने बड़े नेता बनेंगे और आपकी कितनी सेवा करेंगे। व्हाट नॉनसेंस, कम ऑन मूव इट। चलो मूव इट। धीरज कुमार जिंदाबाद, धीरज कुमार जिंदाबाद, धीरज कुमार जिंदाबाद। यहाँ नारे लगाने की जरूरत नहीं, पुलिस स्टेशन के बाहर प्लीज। गुड मॉर्निंग मैडम। इसे अंदर बंद कर दो। सुना नहीं तुमने? मैडम आपने शायद इन्हें ठीक से पहचाना नहीं, मिनिस्टर साहब के बेटे। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना मैं इसे किसी ऐरे गैरे की औलाद समझ बैठी थी। मैडम आप मेरे पिताजी को गाली दे रही हैं। माय फादर। अपने पिताजी के लिए तो सबसे बड़ी गाली तुम खुद हो। अगर उनकी इज्जत की इतनी चिंता होती तो किसी निर्दोष का खून नहीं करते। मैडम आप मेरी बात माने। पुट हिम बिहाइंड द बार्स। ले जाओ इन्हें। मैडम वो। नमस्ते। आप कौन है और आपको किसने परमिशन दी यहाँ आने की? मैडम ये शहर के बहुत बड़े वकील है, चमन पटेल। आइए। थैंक यू। मैंने जैसा आपके बारे में सुना था आप बिल्कुल वैसे निकली। कम टू द पॉइंट। मिस्टर धीरज कुमार मेरे क्लाइंट है, वो निर्दोष है, उन्हें रिहा कर दीजिए। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, उन्होंने राम कुमार गुप्ता की हत्या की है। मिस्टर राम कुमार गुप्ता ने मरने से पहले बयान दिया था, वो भी डॉक्टर पंकज की मौजूदगी में। उनके दस्तखत यहाँ हैं। राम कुमार गुप्ता ने कोई बयान नहीं दिया है, बल्कि आपने अपनी तरफ से सब कुछ लिख लिया है और उस पर डॉक्टर पंकज से जबरदस्ती सिग्नेचर लिए हैं। ये मैं नहीं, डॉक्टर पंकज कह रहे हैं। ये रहा उनका स्टेटमेंट। अन्ना
कहिए, अब क्या कहना है? काली और खाकी वर्दी वाले लोगों में तो बुराई आ ही गई थी, मगर अब ये सफेद कोट वाले डॉक्टर भी। इसी ने राम कुमार गुप्ता का खून किया, यही उनका हत्यारा। हाँ, राम कुमार गुप्ता का खून मैंने किया है, लेकिन इनसे तो बचाइए, ये लोग मार डालेंगे मुझे। ये सब आपकी चाल है। कानून की भाषा में इसे चाल नहीं, सबूत और गवाह कहते हैं। हेलो, धीरज कुमार को छोड़ दीजिए और इन्हें बंद कर दीजिए। जी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन एक बात याद रखेगा मिस्टर पटेल, चालों से शतरंज की बाजी तो जीती जा सकती है, लेकिन आप मुझे नहीं जीत सकते, क्योंकि मैं उनमें से हूं जो शतरंज के बिस्तर को पलट देते हैं। बिना सोचे समझे तुमने धीरज कुमार को गिरफ्तार क्यों किया? बिना सोचे समझे? सर, धीरज कुमार कातिल है। देखा देखा, इसने फिर से धीरज को कातिल कहा। तू पुलिस की नौकरी कितने साल से कर रही है? सर, इसका जवाब मैं इनको दूं? देखा देखा, मेरे निर्दोष बेटे को गिरफ्तार करके इसने उसका पॉलिटिकल करियर खराब कर दिया। मर्डर की बुनियाद पर किसी का पॉलिटिकल करियर नहीं बन सकता। बकवास बनकर मंत्रियों मंत्री, चाहूं तो अभी तेरी वर्दी उतरवा सकता हूं, लेकिन ये कमिश्नर साहब हर वक्त तेरी तारीफ करते रहते, इसलिए और एक मौका देता हूं। तुझे तुझे पूरी पब्लिक के सामने मेरे बेटे से माफी मांगनी होगी। सर, ये आपका ऑफिस है ना, ये कौन होते हैं मुझे हुक्म देने वाले? ये कोई और नहीं है, ये हमारे होम मिनिस्टर है। अगर कोई कातिल के सामने कानून को झुकाना चाहता है तो वो होम मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर, उनकी बात मानना यही एक क्राइम है, जुर्म है। अरे ये क्या कह रही है तू? जस्ट अ मिनट। सर, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे लोगों का साथ दूं, तो मैं अपना त्याग पत्र दे दूंगी। हाँ, त्याग पत्र दूंगी, ताकि बाहर आती प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकोगी, पब्लिक के सामने अपनी इमेज बनाओगी, है? जैसा हमारा मंत्री करते हैं, पहले पैसे खाते हैं, बाद में त्याग पत्र देकर पब्लिक के सामने हीरो बनते। मैं तुझे ये मौका कभी नहीं दूंगा, मैं तुझे निलंबित करूंगा, निलंबित। अन्ना साहब, जो वर्दी के साथ आती है और कुर्सी के साथ जाती है, उस ताकत में कोई सच्चाई नहीं होती। सर, आप मेरे हाथों अन्याय करवाना चाहते थे ना, लेकिन अब मेरे हाथ खुल गए हैं, और मैं आपको वार्न करती हूं सर, कि अगर जनता का रक्षक और जनता का सेवक आप जैसा लाचार और गद्दार होगा, तो जनता की ताकत आपका न्याय करेगी। All the best. रोशनी, एक पुलिस ऑफिसर की मां होने के साथ साथ मैं एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी भी रह चुकी हूं। मुझे पता है तेरे साथ क्या हुआ है। सच्चाई और ईमानदारी की सजा मिली है। तू उसकी औलाद है बेटी, जिसने सच्चाई और ईमानदारी के बदले मौत देखी। तुम्हें सिर्फ सजा से घबराना नहीं चाहिए, पोस्टर कहां से आया? मैं लाई हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगा। तुझे अच्छा लगा? तुझे अच्छा लगा? अच्छा लगा तुझे ये पोस्टर? क्या करो, तेरे घर में डालेंगे। मेरी बात तो सुनो दीदी। रोशनी, हुआ क्या है? अच्छा लगता? छोड़ दो, छोड़ दो,
जानवर की तरह मार रही है। किया क्या है इसने? अरे जिसकी वजह से मैं अपने डिपार्टमेंट में जलील हुई, नौकरी से निकाली गई, वो बदमाश कमीना, इसे अच्छा लगता है अपने घर में उसके पोस्टर रखती है। दीदी ये पोस्टर मैं इसलिए नहीं लाई कि मुझे ये अच्छा लगता है, मैं तो सिर्फ इसलिए लाई कि मुझे ये वर्डिंग अच्छी लगी, लेट ट्रूथ प्रिवेल, सत्य में चाहते। यकीन मानो दीदी मैं तो सिर्फ ये काट के लगाने वाली थी, बाकी सब फेंकने वाली थी। दीदी पुलिस ऑफिसर अगर आम लड़कियों की तरह रोए तो अच्छा लगता है, मेरी दीदी रोए मुझे अच्छा नहीं लगता। दीदी मुझे माफ कर दे अंजू। नहीं दीदी मंगल फॉर्म हाउस की चाबी लेते आना भाई। हेलो एक्स इंस्पेक्टर, तुम्हारी बहन आज कॉलेज में फैशन शो करने गई है, मगर वो शो कॉलेज में नहीं हमारे बेडरूम में फैशन परेड होगा। क्या? अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो कर लो, इट विल बी अ वेरी एक्साइटिंग शो। हेलो तुम्हारा कसूर यह है कि तुम रोशनी की बहन हो। अगर रोशनी यहाँ आ गई तो तुम अपनी नेतागिरी भूल जाओगे। सुनो, नेता वही बनता है जो पोस्टर चिपकाना जानता है और जो पोस्टर फाड़ना जानता है। जा रही है मैं ये दौर, अब मैं तुझे शेट्टी, मेरी बहन को कुछ गुंडे उठा कर लेकर गए हैं, लोगों का कहना है कि वो हाईवे की तरफ गए हैं, आप जल्दी से सारी पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप अपनी रिपोर्ट इन्हें लिखवा दीजिए। नाउ जस्ट अ मिनट, तुम्हारा ये बिहेवियर साफ साफ कह रहा है कि तुम उन गुंडों से मिले हुए हो। माइंड योर लैंग्वेज मैडम, और देखो ये मुझे तुम मत कहा करो, अब तुम मेरी ऑफिसर नहीं हो। लेकिन यहाँ की शहरी और इस देश की नागरिक तो हूँ जिसकी रक्षा करना तुम्हारी ड्यूटी है। मैं वही ड्यूटी करता हूँ जिससे यहाँ पे सितारे बढ़ते हैं, वरना तुम्हारी तरह मेरी भी वर्दी उतर जाती। तुम्हारे जैसे कमीने कभी माफ नहीं किए जाएंगे, याद रखना जब जुल्म पनपता है तो जालिम का बुरा हाल होता है। अगर अंजू को कुछ हो गया तो उसकी एक एक चीख का तुमसे बदला लूंगी। अरे वो पति कहाँ है? इसके बाद इसे घर जाने देना अच्छी बात नहीं, इसे खत्म कर देना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं, अब इसकी बहन पुलिस में रही नहीं,
इसके घर जाने से हमें कोई फर्क हाँ, नहीं। नो फर्क। चल मेरे चिड़िए, उठ, अब नहीं उठ सकती। बोल, पुलिस में खबर देगी? नहीं देगी, नहीं देगी। नो नो, नहीं देगी। लीव हर, नहीं देगी। मिनिस्टर के बेटे को हाथ लगाने का नतीजा। मल्टीपल रेप, बलात्कार, इसी सदमे से ये कोमा में रह गई है। अब ना तो ये कुछ सुन सकती है ना बोल सकती है। उन सबको तबाह कर दूंगी जिन्होंने अंजू का यह हाल किया है। एक एक करके उन सबको नरक के उस अंधेरे में फेंकूंगी जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। अंजू खबरदार अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की। चलो मेरे साथ। कहाँ? पुलिस स्टेशन, जहां तुम्हें इकरार करना है कि तुम और तुम्हारे साथियों ने अंजू का रेप किया है। मूव इट। खबरदार अगर आगे बढ़े तो इसका भेजा उड़ा दूंगी। मूव इट। हां साहब। डैड, इसे गोली मार दो। फिर क्या? बात खत्म। बात खत्म? अबे नहीं, इसकी मौत यहां हुई तो हम सब फंस जाएंगे। चुप है। गोली मार दो, गोली मार दो, हर वक्त यही होता है। वैसे ये गोली वाला खिलौना है बड़ा अच्छा। ये आपने क्या किया? अरे ये दोनों अपनी पार्टी छोड़ने ही वाले थे। अच्छा हुआ इसके पहले ये दुनिया छोड़ गए। कहीं इसमें हम फंस गए तो? अरे हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। ये रोशनी वर्मा फंसेगी। रोशनी वर्मा, पिस्तौल इसका था और इसने दो मर्डर किए, इसकी गवाही हम कोर्ट में देंगे। ना मैं फिर आऊंगी। इस बार तो कानून निभाने आई थी, लेकिन अब कानून बंद कराऊंगी। याद रखना अन्ना, तेरी मौत बंद कराऊंगी। अरे भेड़ बकरियों की तरह गिरे पड़े हो और आप भाग रहे हो उसके पीछे, क्या फायदा उसका? ए, इधर आओ, थोड़ा अकल से काम करो। अरे उसने हमारा काम तो और भी आसान कर दिया। अब कोर्ट ट्रायल की भी जरूरत नहीं, उसको ऐसे ही फंसा देंगे। अभी पुलिस को खबर कर दो कि रोशनी वर्मा ने होम मिनिस्टर का कत्ल करने की कोशिश की और हमारे दो कर्मठ कार्यकर्ताओं का मर्डर करके वो यहाँ से भाग गई। एक्स इंस्पेक्टर रोशनी वर्मा दो मर्डर करके फरार हो चुकी है। सारे शहर में नाकेबंदी कर दी जाए।
चलो नीचे, चल चलो। ये कहाँ ले है मुझे? शट अप, ले चलो इसे। चल मुझे माफ कर दो। ये रोशनी वर्मा। ओ, तो ये वही है। शेट्टी लेट हो गए। तुम काफी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम सब मुझे फंसाना चाहते हो, ये अन्याय है, जुर्म है। यहाँ अंदर रहते हुए सारे न्याय और अन्याय को भूल जाओगे। अपनी इन आंखों की गर्मी को बुझा दो, मुझे ये पसंद नहीं। ये सच्चाई की गर्मी है जिसे तुम जैसे करप्ट लोग सह नहीं सकते। साइन कर, मैं कहती हूँ इस पर साइन कर। मैं कहता हूँ साइन कर। जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो उन बेचारी अगला लड़कियों के साथ क्या होता होगा। साइन कर। नहीं करूंगी। इसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज है, इसके बाल काट दो। लड़कियों से धंधा करवाते हैं ये लोग। मैंने लड़कियों को समझाने की कोशिश की, एक लड़की ने बगावत की। वो मंदा नहीं आई, साली ने अपने कपड़े उतार दिए। मुर्दे अपना कफन खुद नहीं उतारते, उसको जरूर किसी ने भड़काया होगा। ये सब काम रोशनी का है, वो बाकी सब लड़कियों को बागी करने की कोशिश में लगी हुई है। रोशनी तो स्पेशल केस में आती है, उससे तो बाद में निपटा जाएगा। पहले तुम मंदा को इलेक्ट्रिक शॉक देने का इंतजाम करो। तो उसे टॉर्चर कर करके उसे मार दिया गया। मंदा, फिर मुझे बहुत बारूद है साली में, इसकी मस्ती उतार दो ताकि जिंदगी भर कभी गुरूर से बात न कर सके। साली बहुत फुदक रही है, हथकड़ी लगाकर दरवाजे से बांधकर तेरा सारा बारूद निकाल दूंगा। Thank you.
है। तुम में सिर्फ बारूद ही नहीं, तेजाब भी है। औरत का ये कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए आज से तुम्हें बड़े इज्जत के साथ रखा जाएगा। इसे काल कोठरी में बंद कर दो। क्या है? नजर में हमारे औकात सब्जियों जैसी है, जिनको काटना और छीलना इनका रोज का धंधा है। ये क्या? ये भी साला अच्छा मजाक है कि एक तरफ हिंदुस्तान को नरक बनाते जाओ और दूसरी तरफ ये गाने पे मजबूर कर ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कोई नेता आ रहा है? हाँ, 15 अगस्त पर। कौन? पूछ के फायदा भी क्या, सभी साले सांप बिच्छू हैं। नहीं, वो कुछ लोग अच्छे होते हैं। चलो मान लिया कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन फिर भी हमें फायदा होने वाला नहीं। क्यों नहीं? उनसे मिलेंगे, हो सकता हमारी मदद करें। बताएंगे जब ना, जब हमें उनसे मिलने का मौका दिया जाएगा। हम उनसे मिलेंगे। रुको, देखो कल नेताजी आ रहे हैं, याद रखना किसी भी किस्म का जरा भी हंगामा नहीं होना चाहिए, और नेताजी को सिर्फ उन्हीं कैदियों से मिलवाना जो हमारे भरोसे के हैं, समझे? और तुम हाँ। तुम रोशनी पर कड़ी नजर रखोगे एंड लॉक अप रेस्ट ऑफ द गर्ल्स, समझे? यस मैडम। देखिए मुझे जरा प्लीज अंदर जाने दीजिए। अंदर जाने का ऑर्डर नहीं है। कौन है? कोई अंदर आना चाहता है? मैं डेमोक्रेटिक इंडिया की क्राइम रिपोर्टर हूँ। किसी भी अखबार वाले को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा।
कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कर्म करते रहो, कर्म ही धर्म है और धर्म ही भगवान है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और नए आदर्शों के साथ नया जीवन शुरू करो। क्या है? इसी दिन के शुभ अवसर पर आज इस शुभ अवसर पर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिंदगी भर मैं देश की रोशनी। जल्दी चलो, हमने सबको निकाल लिया, जल्दी चलो रोशनी। दरवाजा खोलो। नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा दरवाजा? खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। बाहर से बंद है और चाबी शांता पटेल के पास है। अब क्या होगा? क्या होगा? दरवाजा खुलेगा। कैसे? हम यहाँ आग लगा देंगे और आप देखते ही सब हमारी तरफ भागकर चले आएंगे और इसी में हमारी जीत होगी। लेकिन अगर आग लगने के बाद भी कोई नहीं आया तो हम सब तो जलकर यहीं मर जाएंगे। मरकर जलना तो सभी को है, हम जलकर मरेंगे यही होगा ना। लेकिन हम बुजुर्गों की तरह नहीं जिएंगे, या तो हमारी मौत या दुश्मनों की मौत। रोशनी ठीक कह रही है, हम सब तैयार हैं। हम आग कहाँ से लाएंगे? चलो मेरे साथ, चलो जल्दी जल्दी। इस दिन को कोई भूलेगा नहीं। हाँ, हम सब याद रखेंगे। हाँ, याद रखेंगे। My God, ये तो बहुत बुरा हुआ। कुत्ते, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी अन्ना, बर्बाद कर दूंगी तुझे मैं। अरे रोको इसको। तू इंसान है कि भेड़िया है? मेरी बहन ने क्या बिगाड़ा था तेरा? इसने बर्बाद कर दिया मेरी बहन को, बर्बाद कर दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी अन्ना, तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू क्या समझता है
और वो मुझे सचमुच इस जन्म में ले आए। मुझे अपनी सफाई के लिए कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। आप घबराइए मत, मैं ये साबित कर दूंगा कि आप निर्दोष हैं और उस दिन उनके पास अपने बचाव के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। रोशनी वर्मा को बिना ट्रायल के नासिक जेल में रखा गया है। ये बहुत ज्यादती है, सरकार की यह मनमानी नहीं चलेगी। रोशनी को रिहा करना ही होगा। रोशनी वर्मा को जेल से। तो ये है सच्चाई रोशनी वर्मा के केस की ऑनर। आज हम बात उनकी नहीं करेंगे जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, आज हम बात उनकी करेंगे जो कानून को अपने पांव से ठोकरें मारते हैं। उनकी ठोकरों के निशान देखिए, जो पिछले 6 महीनों से नासिक जेल में बराबर लगते रहे। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए प्रेस रिपोर्टर सुनीता मेनन का, जो रोशनी वर्मा को ढूंढ नहीं निकालती तो आज ये कोर्ट में जिंदा पेश नहीं होती। कानून के साए में, कानून के साथ घिनौना खेल खेलने वाले कोई मामूली लोग नहीं होते, बहुत ताकतवर होते हैं। कानून की आंखों पर तो पहले से ही पट्टी लगी हुई है, लेकिन ये लोग कानून के मुंह पर भी पट्टी लगाकर कानून को गूंगा करते हैं। रोशनी वर्मा को जिसने गुमनाम अंधेरों में ढकेल दिया मरने तड़पने के लिए, वो कोई और नहीं, हमारे मिनिस्टर अन्ना साहब पाटिल हैं ऑनर। ये सरासर गलत है, झूठ है, अदालत में सनसनी पैदा करने के लिए एक सफेद झूठ। ये सब जो जख्मों के निशान हैं, क्या ये भी झूठ है? ले रहे हो, गाली मत दो। सुनीता जी आपने तो कमाल कर दिया, आपने ऐसी न्यूज और ऐसा फोटोग्राफ दिया है कि चारों तरफ खलबली मच गई। सुनीता जी। यस सर। मैं 2 दिन छुट्टी पर गया और आपने मेरी परमिशन के बगैर इस तरह की खबर छाप दी। आपको क्या लगता है कि मालिक लोग अपने साथ कैसा सलूक करेंगे, मेरी सेवा करेंगे? वो इस तरह के आदमी को नौकरी पर कैसे रख सकते हैं जो इस तरह की खबरें छापता फिरता है? हेलो, आज हमारे अखबार के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, अभी इसी वक्त। जी आज तो डेट नहीं थी। ये इमरजेंसी मीटिंग है, आप फौरन चले आइए। जी मैं आता हूँ। किसका फोन है सर? फोन नहीं था, दावत थी कि आ जाओ हम तुम्हें मारेंगे। मैं कुछ समझी नहीं सर। समझाता हूँ, यूँ समझिए सुनीता जी कि आप गेहूं हैं। हाँ। और मैं घुन हूँ। और आज वो दिन आ गया है जब गेहूं के साथ घुन पिसा जाएगा। वाव सर, कल के पेपर के लिए हेडलाइन अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। आप ऐसा कीजिए मैडम, इनके साथ आप मेरा भी रेजिग्नेशन लेटर वगैरह टाइप कर दीजिए। ओके सर। मे आई कम इन सर? यस कम इन। सॉरी, आपको मालूम है आपने क्या हंगामा खड़ा कर दिया है? सर वो हुआ ये हुआ कि वो देखिए, हमें मालूम है वो न्यूज सुनीता मेनन की थी। जी जी जी। लेकिन उसे छापा किसने? वो मुझे मालूम नहीं। आपको कुछ नहीं मालूम कि आज पूरे देश में उसी न्यूज की चर्चा है जिसकी वजह से हमारे अखबार की बिक्री 50,000 से बढ़कर 2,00,000 हो गई है। रियली सर? इसलिए हम आपसे और सुनीता से बहुत खुश हैं। थैंक यू सर। मैं आप लोगों से कहता था ना कि ये शख्स जो नंगे पैर घूमता है बहुत बड़ा जीनियस है। एक मिनट। अरुण साहब, आज से आप हमारे अखबार के एडिटर ही नहीं डायरेक्टर भी हैं। यू सी यू आर प्रमोटेड एज वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी। थैंक यू। और सुनीता मेनन को
चीफ रिपोर्टर बना दिया गया है। थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशंस सर, हम आपको बहुत मिस करेंगे सर। थैंक यू सर, आप जा रहे हैं? थैंक यू सर, इट वाज नाइस वर्किंग विद यू सर। थैंक यू सर, ये आपका रेजिग्नेशन लेटर, ये आई रियली डोंट नो, मुझे पता नहीं चलता मैं कैसे आपसे माफी मांगू, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे मालूम है सर, आई एम रियली सॉरी सर। सर सर, ये आपका रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर फाड़ दो। क्यों? सुनीता मेनन जी आज से इस अखबार की चीफ रिपोर्टर है। मैं? और मैं आज से इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ। रियली सर? लोग ठीक कहते हैं कि औरत मर्द की तकदीर बदल देती है। गलत सर, क्योंकि आपने तो मुझे हमेशा सप्रेस ही किया है। मैंने सप्रेस कभी नहीं किया सुनीता जी। हाँ, प्रेस जरूर कभी किया हो। वो कैसे? वो ऐसे कि आप एक स्प्रिंग की तरह है। हाँ? आपको जितना दबाया जाए उतनी लंबी आप उछाल भरती है। Oh sir, I tell you, you're genius, sir. Of course. क्या इस अखबार की चीफ रिपोर्टर इस कंपनी के डायरेक्टर के साथ लंच करना पसंद करेंगे? मैं? आप लंच? ओह यस यस, व्हाई नॉट, श्योर सर। पहले तुम फिर आ, फिर हुजूर हो गए। पहले तुम फिर आ, फिर हुजूर चला देंगे। गिनीज बुक में होगा नाम, तारीफ होगी सुबह शाम। आइए अविनाश, ये हैं अन्ना साहब और ये हैं इनके सुपुत्र, हमारे पार्टी के भविष्य श्री धीरज कुमार। मुझे श्याम बाबू से ये पता चला कि आप लोगों ने मुझे यहां इसलिए बुलाया है कि मैंने रोशनी वर्मा का केस अपने हाथ में क्यों लिया। क्या मैं ये जान सकता हूं कि मेरे यहां कहने से आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? तुमने ये केस अपने हाथ में क्यों लिया, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, मेरा सवाल है। मुझे केस बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तुम इतने बड़े वकील तो हो नहीं कि चुन चुन कर केस हाथ में ले।
सुना है नए नए आए हो, वकालत नहीं चलती, इसलिए अदालत के बाहर खड़े रहकर चने खाते रहते हो। आज तो आप शुगर बैरन हैं, लेकिन सुना है कि शुरू में आप भी गन्ने का रस बेचा करते थे। और अभी क्या करता हूं? काम तो वही पुराना वाला करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि गन्ने की जगह अब जनता को निचोड़ते हैं और रस की जगह खून का व्यापार करते हैं। How dare you? Shut up! धीरज बैठ जाओ। क्या तुम चाहते हो कि गन्ने जैसा सलूक तुम्हारे साथ भी किया जाए? आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। आपने मुझे यहां इसलिए बुलाया ताकि आप ये देख सकें कि मुझमें कितनी जान है। अगर मैं कमजोर नजर आया तो आप मुझे मुकदमा लड़ने की खुली छूट दे देंगे, और अगर मुझमें कुछ जान नजर आई तो आप मुझे खरीदने की कोशिश करेंगे। कहिए, मुझमें जान नजर आई? हाँ, जान तो है, लेकिन तुम सत्य प्रकाश जैसे दिग्गज वकील के सामने टिक नहीं सकते। ये क्यों भूलते हैं कि रेस में वही घोड़ा जीतता है जो चने ज्यादा खाता है। गन्ना निचोड़ने वाले उस डंडे को कभी मशीन में नहीं डालते जिससे वो अपने आप को बचा भी सकते हैं। ये अपने बारे में कुछ ज्यादा ही बोले जा रहा है, जबकि इसका केस जीतने का चांस सिर्फ 1% है। अन्ना साहब, क्या आप चाहेंगे कि आपके हारने का चांस 1% भी हो? एक बहुत जरूरी होता है, इसके बगैर 99% नहीं हो सकता। तुमने अपनी कीमत तो सोच के रखी होगी। खरीदार अच्छा हो तो कीमत खुद नहीं लगाई जाती, खरीदार पर छोड़ दिया जाता है। बड़े चालाक हो। 50,000। 500 के नोट है। अदालत में वकील तुम उसके रहोगे, लेकिन काम हमारा करोगे। केस खत्म होने के बाद 1,50,000 और मिलेंगे। वकील साहब, मेरा नाम मुन्ना साहब है, मैं मिनिस्टर साहब का बड़ा लड़का हूँ। नमस्कार मुन्ना साहब। नमस्कार। आप लोगों की बातें सुनकर तो मुझे बहुत पसीना आ गया है। अरे हाँ। पसीना आ गया तो ये लो और पसीना पहुँचो और प्रेशर नीचे रखो। थैंक यू। हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई वजह होती है योर ऑनर। मुन्ना साहब के सामने रोशनी वर्मा ने उनके दो कार्यकर्ताओं का खून किया, जिसके चश्मदीद गवाह और सबूत इस अदालत में मौजूद है। फिर अन्ना साहब को कुछ करने की क्या जरूरत थी? योर ऑनर, इन्होंने बहुत सारे माननीय लोग, डॉक्टर्स, एमएलएज, बिल्डर्स पेश किए हैं। मैं चाहूंगा अन्ना साहब के सबसे बड़े बेटे मुन्ना साहब को पेश किया जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मुन्ना का इस केस से कोई संबंध नहीं। यह एक जिंदगी का सवाल है योर ऑनर। ओवररूल्ड, मुन्ना को पेश किया जाए। योर ऑनर, मुन्ना को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। योर ऑनर, मैं यहां हूं। मुन्ना साहब आइए, यहां आइए। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। मैं कोई कसम नहीं खाऊंगा, यहां तो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ तो मुन्ना साहब, ये लीजिए, घबराइए। थैंक यू। ये बताइए कि जिस दिन आपके घर में दो आदमी मारे गए थे, तो क्या आप वहां थे? जी। हाँ तो ये बताइए कि गोली किसने चलाई थी? पापा ने। कौन पापा? मेरे पापा मिस्टर अन्ना साहब, बहुत पावरफुल आदमी है। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। और कोई एविडेंस चाहिए ऑनर? बेटा कह रहा है कि बाप ने खून किया है। Isn't that enough? That's all your honor. Your honor, मुन्ना के बयान पे कोई गौर ना किया जाए, क्योंकि इसकी दिमागी हालत बचपन से ही ठीक नहीं है। एक अजीब सपनों की दुनिया में खोया रहता है। मैं इनके फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर पंकज सेठ को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। आप अदालत को मुन्ना की दिमागी हालत के बारे में कुछ बताएंगे? Yes, your honor. सर, मुन्ना की उम्र बेशक 27 साल की है,
मगर उसके दिमाग का जो विकास है अभी तक पूरा नहीं हो पाया। उसे अच्छे और बुरे, कहानी और सच्चाई में फर्क ही महसूस नहीं होता। यानी कि इनकी हर प्रतिक्रिया, रिएक्शन जज्बात से होता है, दिमाग से नहीं। जज्बात, दिमाग? तुम जज्बात और दिमाग की बात करते हो? अन्ना साहब के खरीदे हुए कुत्ते। योना, इस आदमी का कोई जमीर नहीं है। He has no professional ethics. He's a liar. पैसे के लिए ये तो अपनी माँ को भी पागल करार कर सकता है। जज्बात की बात करता है। Order, order. Your witness, please. Your Honor, मुझे कोई सवाल नहीं करना, लेकिन ये बात नोट की जाए कि मुन्ना जैसा मासूम इंसान, जिसके मन में कोई मैल नहीं है, जिसमें बच्चों जैसा साफ और ईमानदार दिल है, उसके बयान को पागलपन का जामा पहनाकर नाकाम करने की कोशिश की गई है। That's all, Your Honor. आपकी हर दलील खुद बखुद नाकाम हुई। मुझे आपके साथ हमदर्दी है, काश उतनी हमदर्दी मुझे रोशनी वर्मा के साथ भी होती, मगर वो तो एक खतरनाक मुजरिम है, एक कातिल है, जिसके साथ किस्मत ने हर मोड़ पर बेरहमी बरती, उसकी हर चाल पर पानी फेरा। नहीं तो योनर, आज मिनिस्टर के परिवार के साथ रिश्ता जोड़कर ये एक बहुत बड़ी अवसर होती, और उसकी बहन उसी परिवार की बहू, अन्ना साहब तो बाल बाल बचे। योर ऑनर, इस लालची औरत और इसकी आवारा और बदचलन बहन के जाल से। जो जिंदा है ना मुर्दा, क्यों उस पर लांछन लगा रहे हो? तो ठीक है, तुम्हारी बात करते हैं। 20 फरवरी की रात 9:30 बजे तुम कहां थी? याद नहीं। सच्चाई पर नाश करने वाली औरत, मत भूल कि सच बोलने की कसम खाई है तूने। अन्ना साहब के घर पिस्तौल ताने हुए क्यों गई थी तुम? धीरज कुमार को कानून के हवाले करने। योर ऑनर, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। किस हैसियत से और क्यों? उसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी जिम्मेदार खुद तुम हो, तुम्हारा स्वार्थ है। धीरज पर अपनी बहन के बलात्कार का झूठा इल्जाम क्यों लगाया? झूठा इल्जाम नहीं है। उस भेड़े का हंसता हुआ चेहरा दिन रात मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही थी और तुम चुपचाप देखती रही, क्या इसलिए कि धीरज को अपनी साजिश में फंसाकर उसे अपने इंतकाम का कारण बना सको? योर ऑनर, सच्चाई का ढोल पीटने वाली ये औरत निहायत ही खतरनाक और गिरी हुई है, और इसकी बहन अपने ही कारनामों का शिकार बनकर आज बीमारी का नाटक कर रही है। नित नए शौक पालने वाली ये लड़की बचलन और आवारा नहीं तो और क्या है? मेरी बहन को कभी एक गाली देता है, गाली देता है उसे, मैं तेरा मुंह तोड़ दूँगी। ऑर्डर, ऑर्डर, मैं छोड़ूंगी तुझे, मैं छोड़ूंगी। लेकिन उसे बदनाम करता है। कितना पैसा दिया अन्ना ने तुझे? कितना पैसा दिया अन्ना ने? ऑर्डर, ऑर्डर, मैंने तुम्हें रुपयों से गंगा स्नान इसलिए नहीं करवाया था कि तुम रोशनी वर्मा को निर्दोष साबित करो। आप रोशनी वर्मा की मौत चाहते हैं ना? हाँ, मैं उसकी मौत चाहता हूँ। इतना लफड़ा करने की क्या जरूरत है? मैं तो पहले ही कहता था उसे गोली मार दो। हाँ, उसे गोली मार दो, तेरे बाप का राज है क्या? मुझे पूछने वाला कोई नहीं। साला तू नेता का बेटा होकर पहलवानों की तरह सोचता है? भैंस नजर आई, धार से लाठी चला दी। अरे जरा नेता की तरह सोच, नेता की तरह, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसीलिए तो मैंने इनको अपने साथ रखा है। आप यकीन मानिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन एक बात याद रखिए, अन्ना के घर से गद्दारी करके जो भी निकलता है सीधा शमशान पहुंचता है। आप मेरी और मिस्टर पैसी श्रॉफ की बात तो पूरी तरह सुन लीजिए, आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो, तुम बैठो। चलो, बेटे, ये सोचकर तुम मेरा केस लड़ना कि तुम सिर्फ एक केस नहीं लड़ रहे हो, बल्कि अपनी मां के दूध का कर्ज अदा करने आए हो। हाँ,
योर ऑनर, कल के वाकयात के बाद मैंने मौजूदा हालात पर गौर किया। अब मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस केस पे एक दूसरा नजरिया डाला जाए। अपने क्लाइंट, डॉक्टरों की सलाह और पूरे हालात को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पिछले 6 महीनों में और इस केस का मिस रोशनी वर्मा के दिलो दिमाग पर इतना गहरा दबाव पड़ा कि अपने आप में नहीं है, ये अपने ही खिलाफ हालात खड़े किए जा रही है और अब ये इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं कि इनका दिमाग इनके बस में नहीं है, ये पूरी तरह टूट चुकी हैं। योर ऑनर, मुजरिमा पर एक नजर गौर से डालिए तो आपको दिखाई देगा एक बिखरे हुए दिमाग का नक्शा। ये रहे डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स। इन हालात में इस केस का कोई भी फैसला बेमानी होगा, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इन्हें इलाज के लिए पागलखाने भेज दिया जाए। मैं पागल हूं अविनाश, मैं पागल हूं। मेरी बात समझने की कोशिश कर। तुम जानते हो मैं पागल नहीं हूं। गलत समझ रही हो, मेरी बात समझो। खरीद लिया तुम्हें। खरीद लिया सबको, खरीद लिया अन्ना ने। मैं पागल हूं, आप लोगों को पागल लगाते हो। क्यों बोले जा रही हो? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? खरीद लिया ना अन्ना ने। समझ इसी बेहूदा बातें कर रही हो। सब समझ गए। रोशनी वर्मा की दिमागी हालत देखते हुए अदालत उसे इलाज के लिए किसी मेंटल हॉस्पिटल में भेज देने का हुक्म देती है। मजा आ गया। क्या थप्पड़ था अविनाश साहब, क्या मारते हैं आप, बहुत लकी हैं। काश मेरे साथ भी ऐसा ही होता। मजा नहीं आया। काश वो थप्पड़ मुझे डायरेक्ट पड़ा होता। खैर कोई बात नहीं, आपके थ्रो ही सही। क्यों मंगल, तुम्हें कभी किसी लड़की ने थप्पड़ मारा है? मुन्ना राजा, जो लड़की मुझे थप्पड़ मारेगी ना, मैं उसका बाजू तोड़कर कुत्तों के आगे डाल दूंगा। अच्छा, और अगर तुम किसी लड़की के साथ ऐसा सुलूक करोगे तो मैं तुम्हें जेल करा दूंगा। और क्यों, आप केस लड़ने में मेरी सहायता करेंगे ना? अरे जाने दो मुन्ना, अपना ही आदमी है, वैसे भी लोग इश्क में अपनी जान लगा देते हैं। वाह 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 वकील साहब, वाह क्या दिमाग है आपका, वाह वाह वाह। हमने तो सोचा था कि हम रोशनी से जिंदगी भर जेल में पत्थर कुटवाएंगे, लेकिन आपने वो दिमाग चलाया है कि अब हम उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर पागल खाने में असली पागल बना देंगे। वाह। आपकी रकम तो आपको मिल गई है ना? हाँ जी। हाँ, ये रहा हमारी तरफ से नई कार का तोहफा। थैंक यू। हेलो, कहिए कैसी तबीयत है आपकी? ओ, अन्ना साहब जी, मैंने पूछा आपकी तबीयत कैसी है, जो खाया पिया सब उल्टी हो रहा है? जी हाँ, उल्टी हो रही है, सर चकरा रहा और खट्टा खाने को दिल करता है। बहुत जल्द अस्पताल जा रहा हूँ बच्चा पैदा करने के लिए। हॉस्पिटल तो नहीं, लेकिन अगर आपने अपनी आदतें नहीं सुधारी तो शमशान जरूर चले जाओगे। कौन हो, कौन हो तुम? रोशनी वर्मा, और अब तुम्हारी मौत। देखिए, इतनी सख्ती से मत पकड़िए, आपका हाथ जख्मी हो जाएगा। मेरी तो रूह तक जख्मी हो चुकी है और इसके जिम्मेदार तुम हो, इसलिए मैं मेंटल हॉस्पिटल से अन्ना के पास नहीं गई, पहले तुम्हारे पास आई हूं। जो दोस्त बनकर दगा देते हैं वो दुश्मनों से ज्यादा जलील होते हैं। मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दीजिए। तुम सफाई के वकील नहीं हो, मुजरिमों के वकील हो। तुम्हें सिर्फ सजा से मतलब है। पागल मत बनो। पागल तुमने मुझे पहले से ही बना दिया है। तुम लोगों ने मुझे तड़पती हुई जिंदगी दी है, अब मैं तुम लोगों में तड़पती हुई मौत बांटूंगी। मैंने आपको अदालत में सिर्फ इसलिए पागल साबित किया कि आप मर्डर चार्ज से बच जाए।
तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। जिस अदालत का एक एक मोहरा अन्ना ने खरीद लिया हो उस अदालत में आपकी सच्चाई को सूली पर चढ़ा दिया जाता और बाद में उसी सच्चाई की लाश उठाए आपको सारी जिंदगी जेल की सलाखों को पीछे काटनी पड़ती। लेकिन मैं चाहता था कि मैं तुम्हें आजादी दिलाऊं, इसीलिए मैंने तुम्हें पागल बनाकर मेंटल हॉस्पिटल भेजा ताकि मैं तुम्हें वहां से आसानी से बाहर निकाल सकूं। आज जो तुम मेंटल हॉस्पिटल से निकलकर यहां आ पाई हो सिर्फ मेरी वजह से। झूठ बोलना जिसका पेशा हो वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी बोल सकता है। तुम्हारी और बातों की तरह यह भी सरासर झूठ है। ये सच है और इसका सबूत है मेरे पास। क्या तुम्हें डॉक्टर ने यह नहीं कहा था यहां से भागने का मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं। सेल नंबर 101 की पेशेंट मर चुकी है, जाओ लाश को मुर्दा घर में पहुंचा दो। अरे तुम क्या देख रही हो, जाओ और जाकर सो जाओ। यहां से बाहर निकलने का मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मेरे कहने पर वार्ड बॉयज जानबूझकर बीड़ी पीने के लिए बहुत दूर चले गए थे ताकि तुम लाश की जगह ले सको। चल बीड़ू, बीड़ी पीकर आते हैं। चल मेरे कहने पर ही हॉस्पिटल स्टाफ ने आपके भाग जाने की खबर सुनने के बाद भी काफी देर तक अलार्म नहीं बजाया, वरना आप फिर भी पकड़ी जा सकती थी। और इन सब काम के लिए मैंने इन सबको 20,000 रुपए दिए और ये सारे पैसे मुझे अन्ना साहब ने दिए। लेकिन आपने मेरे लिए ये सब क्यों किया? इसलिए कि शुरू से मेरे दिल में इंस्पेक्टर रोशनी वर्मा के लिए बहुत इज्जत थी और मैं जानता था कि आप निर्दोष हैं। लेकिन अन्ना से मिल जाना क्या जरूरी था? देखिए, जिस कश्ती में सुराग करना हो उसमें बैठ जाना चाहिए, काम आसान हो जाए। आपके लिए मैंने इतना कुछ किया, आपसे मुझे क्या मिला? एक थप्पड़। याद है आपने थप्पड़ जोरदार और कस के मारा था। सॉरी, मैं आपको गलत समझ बैठी थी। ये 30,000 रुपए रख लो, ये पैसे भी अन्ना साहब ने दिए हैं। इन पैसों से आप अपनी फैमिली को लेकर कहीं दूर चले जाओ ताकि अन्ना साहब से आप लोगों को और नुकसान ना हो। और जो हुआ उसे भूल जाओ। कैसे? देखो, अन्ना साहब जैसे पावरफुल आदमी से टकराने में कोई सेंस नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, मार डालेंगे ना मुझे तो मार दें। जिंदगी की फटी हुई चादर ओढ़कर जीने से तो बेहतर है कि मरकर नया कफन पहन लें। आज जो अंजू की हालत उन्होंने की है, अगर आप उसे देखें तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। चलिए मेरे साथ। लेकिन ऐसे ही कोई देख लेगा तो तुम पकड़ जाओगी। शी इज देयर, आओ जाइए। अंजू, अंजू, ये अंजू, 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 वाकई वो लोग बहुत कमीने और जालिम हैं। न सिर्फ उन्होंने इसकी जिंदगी बल्कि इसकी मौत भी इसे छीन ली है। तुम्हारा कहना ठीक था रोशनी, तुम्हारे यहां से चले जाना न सिर्फ तुम्हारे अपने लिए बल्कि अंजू के साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है। अब इस जद्दोजहद में हम इसे एक फर्ज की तरह नहीं बल्कि एक धर्म मानकर पूरा करेंगे। हम
हाँ हम। रोशनी अंधेरा मिटाती है, एक शमा कई शमा जलाती है। रोशनी अंधेरा मिटाती है, एक शमा कई शमा जलाती है। रोशनी मंजिल की राह दिखाती है। रोशनी अंधेरा मिटाती है, एक शमा कई शमा जलाती है। सुबह जरूर रात गम की आती जाती है, चांद तो घटता बढ़ता है, सूरज से तू नजर मिलाती है। एक दिन आएगी सुबह जरूर रात गम की आती जाती है, तो घटता बढ़ता है, सूरज से तू नजर मिलाती है। रोशनी तेरी रोशनी मंजिल की राह दिखाती है। रोशनी अंधेरा मिटाती है, शमा कई शमा जलाती है। खिलते हैं नजर से नजर जब तू मिलाती है, फूल ही फूल खिलते हैं जाने मन जब तू मुस्कुराती है।
दिल में गुलाब खिलते हैं, नजर से नजर जब तू मिलाती है। फूल ही फूल खिलते हैं, जाने मन जब तू मुस्कुराती है। रोशनी तेरी रोशनी मंजिल की राह दिखाती है। रोशनी अंधेरा मिटाती है, एक शमा कई शमा जलाती है। रोशनी तेरी रोशनी मंजिल की राह दिखाती है। रोशनी अंधेरा मिटाती है, एक शमा कई शमा जलाती है। इन सब चीजों के बारे में अन्ना साहब के बेटे मुन्ना को मालूम होना चाहिए। मुन्ना मुन्ना मैं बेस्ट ड्राइवर हूं, बेस्ट। गाड़ी मुझे चलाने दो वरना मैं शूट कर दूंगा। नहीं मुन्ना साहब, एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अरे मुन्ना साहब, किसी के लग जाएगी। ओह माय गॉड, जाने मन, तुम भी अकेली? हम भी अकेले। प्लीज कम इन दिस स्पोर्ट्स मॉडल। ओह माय गॉड, वंडरफुल। प्लीज जालिम, हमें भी साथ ले ले। चलोगे? हाँ। स्वर्ग को? यू मीन हेवन? कम ऑन, वंडरफुल। धीरे ओ जाने जिगर, यू ही थका दोगी कि गाड़ी में भी बिठाओगी। मेरे साथ तो पहले ही कोई और है। ओ जाने मन, जालिम हमें भी साथ ले ले। ये रंग में भंग डालना चाहता है, देखो ना, हमारे बीच में आना चाहता है। डाले तुम यू ही भागते रहो, सेहत के लिए अच्छा होता है।
रुको, प्लीज। क्या हुआ? मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। हार्ट फेल इतने जल्दी? नहीं नहीं, अभी तो आपको रेप करना है। प्लीज ये उतारो ना। मैं भी उतारू? वन एट अ टाइम। शेट्टी ने हमारे फेवर में पंचनामा नहीं किया होता तो श्याम कुमार गुप्ता की मौत का जिम्मा भी हमारे सर पर होता। मगर डैडी, श्याम हमारी हर मुसीबतों में काम आया। लेकिन अब वो मर गया है और मरा हुआ आदमी पॉलिटिक्स में कुछ काम का नहीं है। और बाहर वालों के लिए अपने बड़े भाई पर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? आखिर तुम दोनों के सिवा मेरा है कौन? तुम दोनों तो मेरा भविष्य हो, मेरा फ्यूचर हो, क्यों झगड़ते हो फिर? प्लीज डोंट फाइट, डोंट। मगर पापा, ड्राइविंग में रजनी से सीखूंगा। लेकिन ये रजनी है कौन? रोशनी, मेरी बेटी। अंजू, तुम्हें इस हालत में लाने का जिम्मेदार शाम भी था। था इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है। ये उसकी फोटो है, देख अंजू। हेलो अन्ना साहब। हाँ, मैं, मेरा शक सही निकला। यह रजनी और कोई नहीं, रोशनी वर्मा ही है। रोशनी कहाँ है? क्यों? मेरी बात का जवाब सीधे सीधे दीजिए। मैंने पूछा रोशनी कहाँ है। क्यों जवाब दूं तुम्हारे सवाल का? क्यों?
देखिए मिस्टर, ये कोई आयरे गैरे का घर नहीं जहां पुलिस आकर गुंडों की तरह बात कर सके। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम किस अधिकार से आए हो यहां रोशनी के बारे में पूछने? तुम कौन हो? मैं इंस्पेक्टर कृष्णन शेट्टी हूं। इसका सबूत? इसका सबूत ये आइडेंटिटी कार्ड है। देखिए मैडम, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप मुझे पहले से जानती ही नहीं। मैं उस शेट्टी को जानती हूं जो रोशनी को सर कहकर बुलाता था। वो सस्पेंड हो चुकी है, इसलिए मेरे लिए अब वो सिर्फ रोशनी और कुछ नहीं। मुझे मालूम है तुम्हारी माँ सुहागन है। अगर तुम्हारी माँ से सुहागन का श्रृंगार छीन लिया जाए और वो विधवा हो जाए तो क्या उसे माँ कहना छोड़ दोगे? बोलो। इज्जत कपड़ों से नहीं, कपड़ों में होती है। अब बोलो, क्यों आए थे रोशनी को ढूंढने यहां? वो यहां नहीं है। हमें अभी अभी खबर मिली है कि वो पागलखाने से फरार हो चुकी है। पुलिस डिपार्टमेंट को उसकी तलाश है। पुलिस डिपार्टमेंट को तलाश है या जिनकी टांगों से तुम लिपटे हुए हो उनका आदेश है? देखिए, आपको मेरे पर्सनल मामले में बोलने का कोई हक नहीं। अच्छा, तो एक जनरल बात कह देती हूं, जिन कपड़ों में मैल ज्यादा होता है ना, याद रखना वो जल्दी फट जाते हैं। बहुत भूख लगी है ना? ज्यादा सवाल मत करो वरना भूख और बढ़ जाएगी। कैसा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन मेरी माँ बहुत अच्छा बनाया करती थी। वैसे कल रात तुमने जो पुलाव और पनीर बनाए थे ना, हाँ? वो भी अच्छे थे, लेकिन मैं मदर बहुत अच्छा बनाती थी। अविनाश, हाँ? जरा अंगूठा ऊपर करो। क्यों? प्लीज। ये लो। और नजदीक ले आओ। हाँ, मुंह के पास। हाँ, और नजदीक। और अभी से चूस लो। क्यों? तुम्हारे जैसे जो हर बात में मामा करते हैं ना, अंगूठा चूसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अरे अरे, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? पागल कहीं की। और क्या? कौन हो सकता है? एक काम करो, तुम अंदर जाकर छुप जाओ, मैं देखता हूँ। नमस्ते। कहिए, कैसे आना हुआ? मिस्टर अविनाश, सॉरी टू बॉदर यू, ही इज अरुण सक्सेना। हेलो हेलो, ये आपसे मिलना चाहते हैं और आपकी क्लाइंट रोशनी वर्मा के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। इतनी सुबह सुबह? खैर, आइए आइए आइए। थैंक यू। मिस्टर अविनाश, आप जानते हैं कि जिस दिन आपकी क्लाइंट मेंटल हॉस्पिटल में आई उसी दिन वो गायब भी हो गई। मेरा मतलब है कि उसका लापता होना और बिल्डर शाम की मौत कुछ अरे, ये खबर तो मैं आप ही से सुन रहा हूँ। यही तुम्हारा पेशा है, खबरें ढूंढना। क्या हुआ? खुशबू। कहाँ जा रहे हैं? बहुत प्यारी खुशबू है। अरे वाह, आप दो दो प्लेटों में ऑमलेट खाते हैं। अरे बात ऐसे है कि हुआ कि मेरे दोस्त ने बनाया था। अच्छा, कल रात को ही। अच्छा अच्छा, अरे अरे कमाल है, कल शाम का ऑमलेट अभी तक गर्म है। वेरी गुड। बहुत मजेदार है, मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा, मेरी माँ क्या खाना बनाती थी, इतना मजेदार कि लोग अंगूठा तक खा जाते थे। सर, आप अपना अंगूठा ऊपर उठाइए। सॉरी। सच बात तो यह है कि हम रोशनी वर्मा की तलाश में यहाँ आए हैं। देखिए मिस्टर अरुण, अंधेरे में तीर मारना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा निशाने पर नहीं लगता। जिस आदमी ने उसे पागल साबित किया हो, वो उसके पास क्यों आने लगेगी? जब रात का ऑमलेट सुबह तक गर्म रह सकता है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा हो, उससे मुझे क्यों हमदर्दी होने लगेगी? मिस्टर अविनाश, आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा, पहले थप्पड़ लगता है लेकिन फिर प्यार हो जाता है। प्यार? और उससे शक्ल देखी आपने उसकी? नाक भद्दी और लंबी, बाल ऐसे जैसे चिड़िया का घोंसला, आंखें इतनी छोटी छोटी, और वैसे भी मुझे छोटी आंख वाली लड़की पसंद है। हाँ, अगर आप थप्पड़ और प्यार वाली बात में विश्वास रखते हैं तो मैं चाहूंगा कि सुनीता आपको बीच चौराहे में कस के थप्पड़ मारे। सचमुच आप बहुत चालाक वकील है अविनाश साहब। किस दिन आइए मेरे साथ खाना खाइए, सुनीता भी साथ रहेगी। जी नहीं,
मैं तभी आप दोनों का साथ दूंगी जब आप दोनों की माँ खाना बनाएगी। ऑमलेट बहुत अच्छा था। अच्छा हम चलते हैं, रोशनी से गई हम उसके साथ हैं। बाय। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? हैंडसम है, खूबसूरत है, जवान है। मैं उसकी शक्ल की नहीं उसकी अकल के बारे में पूछ रहा हूँ। कम ऑन सर। मुझे लगता है सुनीता कि हमारे सवालों का जवाब इसी घर में है। मत भूलो कि ऑमलेट गर्म था और जिसने भी वो ऑमलेट बनाया था उसके हाथ जरूर बहुत खूबसूरत रहे होंगे। वो खूबसूरत हाथ मिस रोशनी वर्मा के भी हो सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अविनाश इस घर में अकेला नहीं है। सर, आई टेल यू समथिंग सर। प्लीज। यू आर जीनियस सर। वो तो है, आओ बैठो। मेरी नाक ऊंची है, मेरे बाल कटे हुए हैं, ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अरे बाबा, ये सब मैंने उन लोगों को भड़काने के लिए कहा था। वो तो मैं जानती हूँ, मगर इन्हीं चीजों के बारे में क्यों? इसलिए कि तुम्हारी ये चीजें मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारी नाक इतनी प्यारी और पॉइंटेड है कि दिल को छू ले तो छेद कर दे। तुम्हारे बाल इतने रेशमी और मुलायम है कि फिल्मी हीरोइन देखेंगी तो जल जाएंगी। देख क्या रही हो, मैं सच कह रहा हूँ। औरों के सामने तो मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनकर रह जाती हूँ, मगर तुम्हें देखते ही औरत बन जाती हूँ। और तुम मेरी बुराई करो ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, मजाक में भी नहीं। I'm sorry. वापस नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। Promise? Promise. What a good boy. क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने ये जगह क्यों चुनी? चांटा मारा था, भूल गए? काश आपने ये चांटा दो चार बार यहाँ मारा होता। मार दूँ? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉरी सर, जरा आने में देरी हो गई। वो हुआ क्या कि जेल में अचानक डाकू बिहाग सिंह की मौत हो गई। बिहाग? अच्छा, वो क्या है सर, उसका कोई रिश्तेदार तो है नहीं, तो उसकी लाश को जलाने का इंतजाम भी तो पुलिस को करना पड़ेगा ना। वैसे तो लावारिश लाश को जलाने के लिए कोई अपनी इच्छा से थूकने को भी तैयार नहीं होता, लेकिन हमें तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी सर। जाओ तुम जाओ। अन्ना साहब, मुझे बिहाग सिंह के पास जाने दीजिए। उसने बचपन में बाप की तरह मुझे पाला है, उसके मरने के बाद उसकी लाश का दाह संस्कार तो कर दूं। देखो पागल मत बनो, तुम्हें दाह संस्कार करने की परमिशन तभी मिल सकती है जब तुम पुलिस को यह बताओगे कि तुम मंगल सिंह नहीं बल्कि डाकू बिहाग सिंह के छोटे भाई डाकू भैरव सिंह हो, जिसने बेशुमार डाके डाले, खून किए, जिसके सर पर अभी भी 2 लाख रुपयों का इनाम है। देखो भावना में मत बहो, आज भी डाकू बिहाग सिंह की लाश को तुम्हारे जैसे वारिस मिल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी लाश को कोई वारिस नहीं मिलेगा, समझे ना? लेकिन अन्ना साहब, उसे बाप की तरह मुझे पाला। पागल मत बनो यार, कितनी मेहनत से मैंने तुम्हें डाकू भैरव सिंह से मंगल सिंह बना दिया ताकि तुम पुलिस से बचे रहो, और तुम ये खिटखिट खिटखिट कर रहे हो। पागल कही के छोड़ो। अन्ना साहब, छोड़ो। क्या तकदीर पाई है मेरे वकील साहब। हाँ हाँ, मैं अपने अच्छे किसी दोस्त के साथ बैठा हूं, घर आने में देर हो जाएगी, कोई मैसेज आए तो रिकॉर्ड कर लेना। ओके बाय। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का कि जिंदगी भर अपनों के लिए हाय हाय करते फिरो और जब मरो तो कोई आग देने वाला भी ना हो। एक डाकू मर गया जेल में, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तुमने उसके बारे में कुछ सुना? नहीं। हाँ, वैसे भी कहते हैं जब कोई अमीर आदमी मरता है तो उसके बहुत से रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं, और जब कोई बदमाश मरता है तो उसके रिश्तेदार भी मुर्दा हो जाते हैं। पता नहीं उसका अपना भी कोई बेटा था या नहीं जिसे उसने अपने सीने से लगाकर पाला हो। हाँ, अगर उसका अपना बेटा होता तो अंतिम संस्कार जरूर करता। क्यों?
कितना बदकिस्मत हूं मैं वकील साहब कि अपने बाप जैसे भाई की लाश पर रो भी नहीं सकता जिसे बच्चों की तरह मुझे अपने हाथों में खिलाया है। अन्ना साहब मुझे भैरव सिंह से मंगल सिंह बनाया और अपनी राजनीति के पल पूते पर अपना बॉडीगार्ड बनाया वकील साहब। मैं वो भैरव सिंह हूँ, मैं वो भैरव सिंह हूँ वकील साहब, जिसके सर पर पुलिस ने 2 लाख का इनाम रखा है, 2 लाख का इनाम रखा है वकील साहब। Fantastic! ये तो ऐसी खबर है कि हंगामा हो जाएगा। लो। सुनीता, हम दोनों ने मिलकर पूरे देश में हंगामा कर दिया है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है ना सर? आप लोग अब देखना है, सरकार तो गई गई है। जरा सोचो, 2 पत्रकारों ने मिलकर पूरी सरकार का तख्ता पलट दिया। हाँ सर। सर, आप दोनों को चेयरमैन साहब ने बुलाया। चेयरमैन साहब ने बुलाया, आते हैं, उनको बोलो आते हैं। आते हैं। गुड लक सर। हाँ, गुड लक। मुबारक हो। चेयरमैन साहब ने पिछली बार बुलाया था तो तरक्की हुई थी, इस बार तो वाह। आप सबकी पार्टी आज शाम की फिक्स। चेयरमैन साहब को बोलूंगा कि तुम हमारी तरफ से। उनका यही रवैया रहा तो हम नंगे पांव हो जाएंगे। इस तरह तो हमारा अखबार बंद हो जाएगा। हम तो बिल्कुल दो बेर हो जाएंगे। हम लोग कहीं के नहीं रहेगा, हमारा अखबार बंद हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए। हेलो 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 हेलो। आई एम सो सॉरी सर, हमारी न्यूज ने तो हर तरफ आग लगा दी है। और पेपर्स की सेल 3 लाख से बढ़कर 4 लाख हो गई है। जी नहीं, 5 लाख। हाँ, 5 लाख। यस सर। क्या बात है सर, आज सब लोग सीरियस हैं? क्यों बुलाया आपने हमको? तुम लोगों को आज ही नौकरी से इस्तीफा देना होगा। हाँ? क्या देना होगा? रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन? रेजिग्नेशन? यस। क्यों? अगर तुम लोग खुद रिजाइन नहीं करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये बोर्ड का फैसला है। पर हमारी गलती क्या है सर? आप लोगों की न्यूज सरकार के खिलाफ है, इज दैट क्लियर? पर वो तो हमने पहले भी सरकार के खिलाफ लिखा था। और आपने हमारा प्रमोशन कर दिया था लास्ट टाइम। हाँ। देखिए, उस वक्त हम लोगों को सरकार की तरफ से कोई धमकी नहीं मिली थी। इस बार हमें सख्त वार्निंग मिली है कि अगर हम लोगों ने आपको नौकरी से नहीं निकाला तो हमारा तो पेपर का कोटा बंद कर दिया जाएगा। आगे से गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, यानी हमें तो अपना अखबार बंद कर देना पड़ेगा। मगर सर, सर ये सरकार कुछ दिनों के अंदर पलट भी तो सकती है। जो भी नई सरकार आएगी वो यही चाहेगी कि सिर्फ उनकी फेवर में लिखा जाए। आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि लाखों रुपए खर्च करके जो अखबार निकालता है वो भी एक धंधा करता है, बिजनेस। ये बिजनेस नहीं है, दलाली है। नेशनल लेवल पर सरकार की दलाली है। इस बात का मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना, क्योंकि ये सच है। अब आप लोग जल्दी से जाइए और अपना रेजिग्नेशन भिजवा दीजिए। लुक सर, दिस इज नॉट। आई नो, प्लीज। कॉन सर, आप उदास क्यों हो गए? ये तो अच्छा हुआ ना कि आपके पैरों की तरह हमें भी आजादी मिल गई। अब हम पूरी आजादी से लिखेंगे। हाँ, और जब लोगों को पता चलेगा कि हमें सच लिखने के जुर्म में अखबार से निकाला गया तो उनमें हमारी चर्चा ज्यादा होगी और उनके दिलों में हमारी इज्जत और बढ़ जाएगी, है ना? कम ऑन नाउ, चीयर अप। यस सुनीता, अगर मेरी जिंदगी सुबह का अखबार है तो तुम उसकी हेडलाइन सुनो। We'll make it, we'll make it। जो थी ये दुनिया वो
हेलो पत्रकार महोदय, नौकरी चाहिए? अगर मेरे फेवर में लिखना शुरू कर दोगे ना तो मैं तुम्हें बड़ी से बड़ी नौकरी दिलवा सकता हूँ। इसका मतलब मैं अपनी कलम को रंडी बना दूं और खुद भड़वा बन जाऊं और फिर उस कागज को रंडी का कोठा समझकर उसे नचाऊं। फायदे में रहोगे, इसलिए कि भड़वे हमेशा फायदे में रहते हैं। मेरे ख्याल में आजकल भड़वों से ज्यादा दलाल फायदे में रहते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट के हों या तुम्हारी तरह राजनीति के मार्केट के। फिर तुम मेरे खिलाफ अनाप शनाप बकने लगे? कलम तो छीनी गई, अब तो चुप बैठो। कलम छिन भी गई तो लिखना रुकेगा नहीं, खून दिल में डुबा लेंगे हम उंगलियां अपनी। ये तुमने किसका शेर चुराया? ये शेर नहीं, चाबुक है जिससे तुम जैसे सर्कस के शेरों को काबू में रखा जाता है। एक बात सुन लो अन्ना, ना तुम मुझे खरीद सकते हो, ना तुम मुझे डरा सकते हो, ना मुझसे बच सकते हो। एक मुहावरा याद आया पत्रकार महोदय, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं तुम्हारे घर काले रंग के कुछ डिब्बे भिजवा देता हूँ, अगर तुमने अपने घर के खंबे नोच नोच कर खराब कर दिए हैं, तो ये काला रंग काम आ जाएगा, बच गया तो अपने चेहरे पे लगा लेना। डाकू भैरव सिंह आपके यहाँ इतने दिनों तक आपका बॉडीगार्ड बनकर छुपा रहा और आपको इस बात का पता तक नहीं चल पाया? सारे डाकुओं के चेहरे मुझे याद नहीं रहते, जो मैं उसे पहचान लेता। सुनने में तो आया है कि लोग अपनी बिरादरी के लोगों को बहुत जल्दी से पहचान लेते हैं। आप कहना क्या चाहती है? यही कि आपके आसपास आपने जितने भी आदमी रखे हैं, किसी के भी रिकॉर्ड अच्छे नहीं है। यहाँ तक कि नेता बनने से पहले पुलिस में आपके भी रिकॉर्ड अच्छे नहीं थे। शायद हो सकता है कि इसीलिए आपने उसे जानबूझकर शरण दी हो। मैं इस तरह के बेहुदा और बेवकूफ सवालों के जवाब देना पसंद नहीं करता। नमस्ते, नमस्ते। डैड, डेमोक्रेटिक इंडिया वालों ने मंगल सिंह के बारे में न्यूज छापकर सारा हंगामा कर दिया। मैं सुनीता मैनन को गोली मार दूंगा। जिंदगी में दो चार चिड़िया क्या मार ली तो हर बात पे गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। बेटे धीरज, उल्टा जन्म तो सभी लेते हैं, लेकिन तू तो नाम से ही उल्टा हो गया है। तू धीरज क्यों नहीं रखता? धीरज, ये समय गोली मारने का नहीं है, ये सोचने का है कि ये जो सिचुएशन पैदा हो गई है ना, उसे किस तरह निपटाया जाए। सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि मंगल सिंह को किसी ऐसी जगह दूर भिजवा दें जहां ये प्रेस और पुलिस से बचा रहे, और आप भी ये कहकर बचे रहे कि न जाने मंगल सिंह कहां फरार हो गया। तुम ठीक कह रहे हो मंगल सिंह जी, जाने की तैयारी करो जी। और धीरज, तुम ये पता लगाओ कि सुनीता मेनन को मंगल सिंह की असलियत किसने बताई। मर्ड आइलैंड पहुंचने से पहले हमें किसी भी हालत में मंगल सिंह को पकड़ लेना चाहिए। टैक्सी का इंतजाम हो गया? और रेडी, किसी वक्त भी आती ही होगी, लेकिन एक बात याद रहे, मंगल सिंह मर्ड आइलैंड नहीं पहुंचना चाहिए। चलो, ऑल द बेस्ट। Thank you.
बेवकूफ, क्यों अपनी मौत की तरफ भाग रहा है? मौत तो मेरे पीछे भाग रही है वकील साहब। मौत पीछे नहीं, मौत तेरा उस मंजिल पर इंतजार कर रही है जहां अन्ना साहब ने तेरे छुपने का इंतजाम किया हुआ है। नहीं, तुम झूठ बोलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। आओ मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो। अन्ना साहब पर बहुत भरोसा है ना? तुम हमसे बचकर वहीं जा रहे थे। अरे अगर हम तुम्हें रास्ते में न रोकते तो जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होता? देखो अभी, 5, 4, 3, 2, 1। हमारी और अविनाश की मौजूदगी में मंगल सिंह ने यह इकरार किया है कि अन्ना साहब के घर पर 2 आदमियों का खून किया गया था। उससे इंस्पेक्टर रोशनी का कोई ताल्लुक नहीं, वो बिल्कुल निर्दोष है। मंगल सिंह ने यह भी इकरार किया कि उसकी मौजूदगी में ही अन्ना साहब के बेटे धीरज ने राम कुमार गुप्ता का खून किया था। मंगल सिंह ने यह बयान किसी खौफ या दबाव के बगैर बिल्कुल होशावास में रहकर अपनी मर्जी से दिया है, इसलिए अदालत अब इस बयान के मुताबिक अपना अगला फैसला करेगी। मंगल सिंह, यह करारनामा ठीक है? जी। तो साइन करो इस पर। लो साइन करो। रोशनी वर्मा पर लगाए हुए सब इल्जाम बेबुनियाद साबित होने पर और उसे पागल करार वापस लेते हुए यह अदालत उसे बाइज्जत बरी करती है और हुक्म देती है कि उसे वापस इंस्पेक्टर का चार्ज दिया जाए। जेल वार्डन शांता पटेल और इंस्पेक्टर कृष्ण शेट्टी को मुजरमों का साथ देने के संगीन जुर्म में पुलिस फोर्स से निकाल देने का हुक्म दिया जाता है। अब देखो, ये मुझे तुम मत कहा करो। अब तुम मेरी ऑफिसर नहीं हो। मैं वही ड्यूटी करता हूँ जिससे यहाँ पे सितारे बढ़ते हैं, वरना तुम्हारी तरह मेरी भी वर्दी उतर जाती।
अपनी इन आंखों की गर्मी को बुझा दो। मुझे यह पसंद नहीं। यह सच्चाई की गर्मी है जिसे तुम जैसे करप्ट लोग सह नहीं सकते। गुर तेरा नजर कर करके नजरों में तुझे भर भर के बड़े दिल की बिता भी तेरे होठ गुलाबी में तो हो गया शराबी तक तक के हो तक तक के सारे ही शहर के हसीनों की जवानियां तेरी ही जवानी की सुनाती है कहानियां सारे ही शहर के हसीनों की जवानियां तेरी ही जवानी की सुनाती है कहानियां तेरी आंखों में शरारत तेरे अंग में अंगारे जिए प्यार के मर 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 के हो मर मर के तेरा नजर कर करके नजरों में तुझे भर भर के बड़े दिल की बिता भी तेरे होठ गुलाबी में तो हो गया शराब तक तक के हो तक तक के पानी तेरे आगे रूप रानिया मांगता है दिल मेरा तेरी मेहरबानिया भरती है पानी तेरे आगे रूप रानिया मांगता है दिल मेरा तेरी मेहरबानिया रहे तू जो संग संग सारी दुनिया हो दंग उड़े दुश्मनों का रंग डर डर के हो डर डर के तक के हो तक तक के चक की तेरा नजर कर करके नजरों में तुझे भर
टक टक के लाइए टिश्यू पेपर निकालिए। ये लीजिए। मुन्ना मुन्ना देखा देखा मुझे कितना प्यार करती है। मैं भी इसे इतना ही प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मैं इसके लिए कर्फ्यू में भी बाहर निकल सकता हूँ। अंजू अंजू देख देख, मैंने फिर से ये वर्दी पहन ली है। तुझे विश्वास था ना कि मुझे मेरी वर्दी वापस मिल जाएगी? मुझे याद है जब पहली बार तूने मुझे इस वर्दी में देखा था तो कितनी खुश हुई थी। देख अंजू, तेरी जीत हो गई है। ये मंगल सिंह है अंजू, मैंने इसे काबू कर लिया है। तेरी जीत हो गई है अंजू। तू यहाँ किस लिए? मैं यहाँ आईजी साहब के ऑर्डर्स पे आई हूँ, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। मेरी प्रोटेक्शन के लिए? तू? क्या बात, वाह क्या बात, आईजी को इसके अलावा और कोई नहीं मिला? सब कुछ जानकर भी उसने ऐसा किया? मैं अभी उसका ट्रांसफर करवा देता हूँ। हेलो अन्ना साहब, कहीं खंबे तो नहीं नोच रहे आप? कहिए तो कुछ रंग के डिब्बे भिजवा दूं। शट अप। अरे अरे अरे, लगता है कुछ ज्यादा ही रंग के डिब्बे भिजवाने पड़ेंगे। हाँ, अब तक का खाया पिया सब उल्टी तो नहीं हो गया? अरे अन्ना साहब, आप तो खामोश हो गए। अभी तक तो कुदरत ने आपसे बदला भी नहीं लिया, एक छोटा सा मजाक किया है, छोटा सा, कि जिसको आपने पागल खाने भिजवा दिया था वही पागल अब आपके जीवन की रक्षा करेगी। रोशनी से मुलाकात हुई आपकी कि नहीं? याद रख, अन्ना कोई मोम का बना हुआ नहीं है जो रोशनी से पिघल जाए। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो वो कूड़े के ढेर हो जिसको आग लगा कर ही साफ किया जाता है। वैसे एक राज की बात बताऊं, रोशनी अब रोशनी नहीं रही, आग बन चुकी है, आग। क्या हुआ? क्या हुआ? तेरा बाप पैदा हुआ जी। अरे जी के बच्चे, आप क्यों नहीं कहता कि गोली मार दूंगा? किसको गोली मारूं? रोशनी को, और किसको? I love you. अब मैं मर भी जाऊं तो कोई काम नहीं। It's okay.
थैंक्स। आ गए आप? हाँ आ गए। बहुत उदास लग रहे हैं। आज मैं आपको ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी जिससे आपकी उदासी गायब हो जाएगी। क्या वाकई हमारे लिए कोई खुशखबरी है? है। क्या है? मैं माँ बनने वाली हूँ आपके बच्चे की। अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। तेरा दिमाग तो नहीं सड़ गया? ये क्या कह रहे हैं आप? ये हमारा भविष्य है। मेरा भविष्य सिर्फ धीरज है और कोई मेरा भविष्य नहीं है, बल्कि ये मेरा वर्तमान और भविष्य दोनों ही खराब कर देगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे पेट में मेरा पाप पल रहा है। अभी अभी प्राप्त समाचारों के अनुसार राज्य के मंत्री अन्ना साहब पाटिल को राज्यपाल ने निलंबित करके जांच आयोग द्वारा उनके ऊपर अभियोगों की जांच के आदेश दिए। पकड़ा गया साला। अब देखना रोशनी, कोर्ट में कैसे एक्सप्रेस करता हूं इस अन्ना को। क्या बात है रोशनी? कुछ तुम इस तरह हम ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं अभी, मुझसे अब और देखा नहीं जाता। मेरी वजह से तुम्हारी जो हालत हुई है, अभी तुम्हें खोकर अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो भी गई तो क्या ये मेरी जीत होगी? देखो रोशनी, अब हार और जीत का सवाल ही कहां पैदा होता है। ये तो हमारा फर्ज था। फर्ज? कौन सा फर्ज? अभी फर्ज निभाकर देख लिया मैंने। आज मेरी आंखों के सामने मेरी बहन की जिंदा लाश पड़ी है। मुझे बेइज्जत करके सस्पेंड कर दिया गया। मां, तुम अभी अगर हम इस करप्ट अन्ना साहब को सजा दिलवाने में कामयाब हो भी गए तो क्या होगा? एक और अन्ना हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अभी इस सिस्टम के साथ अब हम नहीं लड़ सकते। ये हमारा काम नहीं है। नहीं अभी। याद है रोशनी, एक दिन तुम्हीं ने कहा था कि जिंदगी की फटी चादर ओढ़कर जीने से तो अच्छा है मौत का नया कफन ओढ़ ले। याद है? तुम्हें निकाला था। भूतपूर्व मंत्री अन्ना साहब पर भ्रष्टाचार के और अपने पद का दुरुपयोग करने के बहुत से आरोप लगाए गए हैं, जिनकी इंक्वायरी के लिए केंद्रीय सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस श्री एम एल शर्मा, जनाब वसीमुल हसन हाशमी और श्री केदार सहनी के अंतर्गत ये कमीशन बिठाया गया है। मिस्टर अविनाश कपूर, कार्रवाई शुरू कीजिए। थैंक यू योर ऑनर। कुछ लोग कुर्सियों को हाथों की तरह इस्तेमाल करते हैं जिससे वो काला धन बटोर सके, जिससे वो निर्दोष लोगों पर जुल्म ढा सके। ऐसे ही लोगों में से एक हैं हमारे अन्ना साहब। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। कुछ लोगों को गालियां खाने और देने की आदत पड़ जाती है। ये बातें सड़कों के लिए तो ठीक है, लेकिन एक इंक्वायरी कमीशन के सामने बिना सबूत के कोई भी बात कहना सरासर गलत है। ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेड। आप जो कुछ भी कहें सबूत की रोशनी में कहें। जहां तक सबूतों की बात है योर ऑनर, अगर कहीं से मुझे कोई ऐसा तराजू मिल जाए जिसमें नेताओं को सोने चांदी से तोला गया हो, तो मैं वादा करता हूं योर ऑनर कि ऐसे तराजू में इन्हें सबूतों से तोल दूंगा। ये रही इनके खिलाफ सबूतों की फाइल्स। इस आधे हिस्से में इनके मिनिस्टर बनने से पहले अन्ना साहब ने जो भी धांधली की, खून खराबा किया, इसके बारे में लोगों की अर्जियां, पेपर कटिंग्स और अदालतों के कागजात हैं। और इस बाकी आधे हिस्से में इनके मिनिस्टर बनने के बाद के कच्चे चिट्ठे हैं। कुल मिलाकर ये ऑनर, इनके गुनाहों का बोझ इतना बढ़ गया था कि इनको तो यहां आना ही था। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन सबूतों को अच्छी तरह पढ़ लें। आइए। कुछ लोगों को पुरानी बातों की जुगाली करने की आदत होती है। यह जुगाली करने की आदत जानवरों की सेहत के लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर कोई वकील जुगाली करने लगे तो यह उसकी बेवकूफी होती है।
अगर मेरे बुद्धिमान दोस्त ताजे खून के छींटे देखना चाहते हैं तो मैं इन्हें वो भी दिखाऊंगा। लेकिन ये ऑनर, सबसे पहले ये देखिए, जो अन्ना साहब के पालतू कुत्तों ने कुछ दिन पहले मुझे ये निशान दिए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आई ऑल्सो ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये मेरी बात खत्म होने का इंतजार भी नहीं करते। इन्हें यही सबूत चाहिए ना कि अन्ना साहब गुंडे पालते हैं। मैं इन्हें वही सबूत पेश करने जा रहा हूं। मंगल सिंह को पेश किया जाए। यह है मंगल सिंह, अपने भाई भ्याग सिंह से भी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा जालिम। अन्ना साहब इसे कानून से बचाकर अपने पास रखते रहे। अब आप ही अंदाजा लगाइए ऑनर, जो ऐसे खूंखार आदमखोरों को पालने का शौक रखता हो उसके पास छोटे मोटे खूनी जानवरों की क्या कमी हो सकती है। अब मंगल सिंह अपनी जबान से खुद आपको बताएगा कि अन्ना साहब के लिए कैसे कैसे घिनौने काम करता रहा है। मैं जैसा मंगल सिंह, मुझे बदनाम करने के लिए ये लोग तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने तुझे आज तक अपने बेटे की तरह पाला, झूठ बोलकर मुझे फंसाकर तू नहीं बच सकता, तुझे ही फांसी हो जाएगी। मंगल सिंह डरना मत, तुम अपना बयान दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें फांसी नहीं होगी। ये लोग तुझे जरूर फंसाएंगे। आप बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। तू इनके चंगुल में फंस, जब इन्होंने मेरे साथ गद्दारी की है तो तेरे साथ क्या करेंगे वो। छोड़ दो मुझे। तुम लोग चाहे मुझे जान से भी मार डालो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा मैं। अगर ये कुछ भी नहीं बोले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ये ऑनर, इसलिए कि इसका अन्ना साहब के खिलाफ दिया हुआ बयान मेरे पास मौजूद है। ये रहा, मंगल सिंह से जो भी बयान लिया गया है उसे धमकी देकर और मारपीट कर लिया गया है। हाँ हुजूर, बिल्कुल सही बात है। यह बहुत ही दुख की बात है योर ऑनर कि मेरे साथी वकील सच्चाई का सहारा ना लेकर आतंक का सहारा ले रहे हैं। आतंक का सहारा तो लेता है तुम्हारा ये अन्ना साहब, जिसके तुम तलवे चाटते हो, जिसकी तुम चमचागिरी करते हो और जिसके पाप पर पर्दा डालने की तुम कोशिश कर रहे हो। कौन हो तुम? इनसे पूछिए कि मैं कौन हूं। बोलो अन्ना, बोलो बोलो कि तुम्हारी चमचागिरी करने से जब मैंने इनकार कर दिया तो तुमने मुझ पर जुल्म करने की कोशिश की, चुपके हो गए। बोलो कि आतंकी राजनीति तुम चलाते हो, लोगों को तुम डराते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें डराऊंगा, आज तुम डरोगे। सुनीता, तुम्हें ताजे खून के छींटे चाहिए थे ना? देखो, बाहर से देखो, इसके खून के हर कतरे में तुम्हारे जुल्म की कहानी छुपी हुई है। बोलो, क्या है, झूठ है? जज साहब, जिस तरह से आज की गंदी राजनीति की एक नाजायज औलाद है, उसी तरह इसके पेट में भी इसकी नाजायज औलाद पल रही थी, और जब इसने अंदर से नाजायज को जायज बनाने की कोशिश की तो बोलो अन्ना ने तुम्हारे साथ क्या किया? योर ऑनर, मेरी कोक छल्ली करके मुझे खुल खुल कर मरने के लिए ये छोड़ाया है। मैं अल्लाह के बच्चे की मां बनने वाली थी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, उसे गिरा दो, खत्म कर दो। नहीं, आपको नहीं चाहिए तो ना सही, लेकिन मैं इसे अपने लिए जन्म दूंगी। मैं मेरी पाप की निशानी को जिंदा नहीं देख सकता। उसे तुम्हारी पेट की कब्र में ही दफन कर दूंगा।
प्यार करने का सिला मुझे ये मिला मिलोर्ड, क्या मेरा ही खून मुझसे बेवफा हो रहा है? इसने दो खून किए हैं योर ऑनर, और इसी ने रोशनी को फंसाया है। ऐसा कोई काला धंधा नहीं जो ये आदमी नहीं करता। इसी के कहने पर मैंने जेल को वेश्याघर बनाया और रोशनी को वेश्या बनने पर मजबूर करना चाहा। एक औरत होकर औरत पर बहुत जुल्म ढाया मैंने। रोशनी, तुमसे माफी की हकदार तो मैं नहीं हूं, मगर तुम्हारी बहन का बदला जरूर लेना, और इसको नहीं छोड़ना। तो मंजू को लेकर आओ अभी। अरे हटो, रुक जाओ, तुम कानून के साथ मजाक कर रहे हो। ये कमीशन भारत सरकार की ओर से बिठाया गया। अरे सरकार तो रोज बदलती है, बंद करो ये सम्राटक। मेरे डैडी जैसा बढ़िया नेता और कोई नहीं, और तुझसे घटिया बेटा और कोई नहीं। तोड़ दो, फोड़ दो, खत्म कर दो। पांव वाले को मारता है। बताओ किसने ऐसे जिंदा लाश बना दिया? बताओ, बताओ। धीरज मरा नहीं है, वो मर ही नहीं सकता। आवाज नहीं, मेरा बेटा सोया है। अन्ना याद रखना, तू भी अपनी औलाद के लिए रोएगा एक दिन।